हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ अपना घर किसे अच्छा नहीं लगता। इस तरह की खूबसूरती को आप इस चैनल में देखते रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि काश हमारे घर में भी ऐसे ही फूल खिले। ये सब कुछ संभव है, केवल थोड़ी सी आपके एक सोच की ज़रूरत है और थोड़ा सा आप सोचेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और केवल यही एक वीडियो नहीं, हमारी बगिया में अलग अलग घरों के वीडियोस को मैं लाता रहता हूं, जिससे कि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते जाए। भले ही अधिकतर वीडियोस मेरे अलग अलग घरों के जो गार्डन है उसको दिखाने का होता है, लेकिन फिर भी उससे जो है बहुत सारी चीज़ें उन वीडियोस में होती है कि जिससे आपको पता चले कि इनकी देखभाल कैसे की जाए। दूसरे चैनलों से हमारी बगिया यूट्यूब चैनल इसलिए अलग है क्योंकि बार बार ये नए नए चीज़ों को ढूंढता रहता है, आप ही के गार्डन को आप ही लोगों के सामने लाता रहता है। मोस्टली यूट्यूब चैनल जो गार्डनिंग से रिलेटेड है अपने घर के गार्डन को दिखाते हैं और अलग अलग जो पौधे हैं उसको किस तरह से आप लगा सकते हैं या कटिंग से कैसे लगा सकते हैं, इस तरीके से वीडियो लाते हैं। बहुत सारे खाद और दवाइयों का वीडियो लाते हैं, तो इस तरह के वीडियोस भी हमारे बगिया चैनल के अंदर है और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स मैं देता भी रहता हूँ। और बाकी जो आप लोग टिप्स देते हैं इंटरव्यू वीडियोस के दौरान तो उसको भी दिखाता रहता हूं, लेकिन मोस्टली जो मेरी कोशिश रहती है कि अलग अलग लोगों तक पहुंचो, उनके सोच, उनकी गार्डनिंग को दिखाऊं और उनके सजावट को दिखाऊं। यहां पर आप देख ही पा रहे होंगे कि घर के दीवारों को किस तरीके से सजाया गया है, कहीं डिब्बों का यूज़ किया तो कहीं बोतलों का। घर के जितने भी वेस्ट मटेरियल है सब दीवारों पर लगा दिया गया और गार्डनिंग में इसका यूज़ किया गया। ये जितने भी सर्दियों के पौधे देख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे पौधे आपको सर्दियों के खरीदने ही पड़े। इनमें से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसको कि आप इनके बीजों को रख कर के आप तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि एक दो पौधे आप खरीद करके लाएंगे और उनकी कटिंग को लेकर के आप नए नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो फूलों भरा घर है ये है सुमित जी का, जो कि उड़ीसा से हैं और इससे पहले भी दो वीडियोस आप सुमित जी के घर का देख चुके हैं। दिन ब दिन जो ब्लूमिंग है उनके घर में बढ़ती जा रही है और वो भी बार बार मुझे अपने वीडियोज़ को शेयर करते जा रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके घर के इस ब्लूमिंग को देख करके आपका भी मन कर रहा होगा कि अपने घर में भी इस तरह के गार्डन को बनाया जाए। तो देर किस बात की है, बस आप आज से ही जो है शुरू कर दीजिए कुछ पौधे को लगाना। और इस समय तो सर्दियों के बहुत सारे सीजनल पौधे हैं जो कि आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे आसपास की नर्सरी में या आसपास के घरों में, तो वहाँ से लेकर के आइए और कुछ पौधे ज़रूर लगाना शुरू कीजिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे पास जो है एक छत नहीं है या आंगन नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है छत होना या आंगन होना, दीवार तो आपके पास है ही, तो क्यों ना घर के दीवारों से ही गार्डनिंग की शुरुआत करें। जिनके पास छत नहीं है या आंगन नहीं है, दीवारों में बहुत जगह होती है और उस जगह का यूज़ अपने गार्डनिंग में हम कर सकते हैं। दोस्तों, वॉल में गार्डनिंग कैसे की जाती है, इस संबंध में बहुत सारे जो वीडियोस है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में हैं, तो आप वॉल गार्डनिंग हमारी बगिया करके अगर देखेंगे YouTube में सर्च करेंगे तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपके पास जो भी पॉट है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे घर के पुराने बर्तन हो या प्लास्टिक का कोई डिब्बा हो या कोई भी कंटेनर हो, उसका यूज़ आप गार्डनिंग में कर सकते हैं।
दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के पास एक छत है और वो छत यूं ही सूना पड़ा हुआ रहता है। एक बार सोचकर तो देखिए, आपके छत में अगर फूलों से भरा हुआ रहेगा या कुछ दूसरे तरह के पेड़ पौधे रहेंगे या फलों के पौधे रहेंगे या सब्जियां उगेंगी तो कितना हरा भरा आपका छत लगेगा। और वहाँ पर जाकर के अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो कितना ज़्यादा जो सुकून है वो मन को मिलेगा। अपने घर पर छोटी सी बगिया बना करके और उसमें थोड़ा सा काम करके जो सुकून आपको मिलेगा वो कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। बाहर का सुकून बस कुछ पल के लिए होता है, लेकिन जो घर का सुकून है वो हमेशा के लिए आपके साथ बना रहता है और हमेशा एक पॉजिटिविटी आपको तो देता ही है, साथ ही आपके घर वालों को और घर में जो भी मेहमान आए उन सबको भी देता है। इसलिए अपने घर के छत को सूना ना रख के कुछ ना कुछ बागवानी उसमें ज़रूर कीजिए। एक कोने से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे देखिएगा कि आपके छत की जगह भी आपके गार्डनिंग के लिए कम पड़ जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग से छत खराब होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गार्डनिंग के मैनेजमेंट को सही से सीख लेंगे तो आपके छत में कभी भी कोई खराबी नहीं आएंगी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं अपने पौधों को और पूरा छत बार बार गीला करते रहते हैं, तो ऐसी कोई भी ज़रूरत छत के गार्डनिंग में नहीं होती। बस पॉट में जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही दीजिए, कम कम दीजिए, तो आपके पौधे भी अच्छे चलेंगे और गार्डनिंग भी बहुत अच्छी होगी। हमेशा जो पॉट है उसको थोड़ा सा छत के सरफेस से ऊंचा रखने की कोशिश कीजिए। चाहे तो इसके लिए गमलों के नीचे आप दिए लगा दें, चाहे ईंटें लगा दें, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करें कि थोड़ा सा ऊंचा छत के सरफेस से वो हो, जिससे कि पानी जो भी छत पर टपकता हो गमले के नीचे बने होल्स से तो वो नीचे आ जाए और बाहर निकल करके वो सूख जाए, वहाँ कुछ हवा भी लगती रहे। इससे आपका छत भी सूखा सूखा रहेगा और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छी होगी। अपने छत के गार्डन में मिट्टी का यूज़ कम करें और किचन वेस्ट का यूज़ ज़्यादा करें। किचन वेस्ट और जो मिट्टी है एक साथ मिला मिला करके रख दें और देखिएगा बहुत जल्दी जो खाद वाली मिट्टी है आपके छत में तैयार हो जाएगी आपके पॉट में, और उसके बाद फिर आपको कभी भी बाहर से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि किचन का जो वेस्ट निकलता है उसको हम कहाँ फेंकने जाए। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और सुमित जी का गार्डन भी आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए गार्डन के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।